हेलो एवरीवन, वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज में आज हम ऑडियो सिस्टम के बेसिक्स के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज उसके सेकंड पार्ट की हम स्टडी करेंगे। यह डिप्लोमा सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम EL208 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन, Which amplifier is used at output stage of the audio system? Audio system की output stage में कौन सा amplifier काम में आता है? Option A, preamplifier. Option B, buffer amplifier. Option C, power amplifier. Option D, small signal amplifier. Correct answer है, audio system की output stage में power amplifier काम में आता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मोनोफोनी स्टैंड्स फॉर। मोनोफोनी का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, वन चैनल फोनिक सिस्टम। ऑप्शन बी, टू चैनल फोनिक सिस्टम। ऑप्शन सी, थ्री चैनल फोनिक सिस्टम। ऑप्शन डी, फोर चैनल फोनिक सिस्टम। मोनोफोनी से तात्पर्य सिंगल चैनल सिस्टम होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वन चैनल फोनिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड स्टीरियोफोनी स्टैंड्स फॉर। स्टीरियोफोनी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, वन चैनल फोनिक सिस्टम। ऑप्शन बी, टू मिनिमम चैनल फोनिक सिस्टम। ऑप्शन सी, टू मैक्सिमम चैनल फोनिक सिस्टम। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। स्टीरियोफोनी से तात्पर्य है ऑप्शन बी, टू मिनिमम चैनल फोनिक सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाई फिडेलिटी आर। हाई फिडेलिटी या हाई फाई के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ऑप्शन ए, प्री एम्पलीफायर्स एंड पावर एम्पलीफायर्स। ऑप्शन बी, माइक्रोफोन्स एंड लाउड स्पीकर्स। ऑप्शन सी, फिल्टर्स एंड कंट्रोल्स। ऑप्शन डी, अबव ऑल। करेक्ट आंसर है हाई फाई के बेसिक कंपोनेंट्स प्री एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, फिल्टर, कंट्रोल सभी होते हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, अबव ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, पिच। ऑप्शन बी, टेम्बर। ऑप्शन सी, सेंसिटिविटी। ऑप्शन डी, लाउडनेस। ऑडिटरी सेंसेशन का मैग्नीट्यूड लाउडनेस कहलाती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लाउडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। लाउडनेस की यूनिट किस से रिप्रेजेंट की जा सकती है? ए, सोम्स। बी, फोम्स। सी, जूल्स। डी, बार्स। लाउडनेस की यूनिट फोन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑडियो सिग्नल का वॉल्यूम किस से रिप्रेजेंट किया जाता है? वॉल्यूम ऑफ ऑडियो सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन ए, लाउडनेस। ऑप्शन बी, बेस। ऑप्शन सी, ट्रेबल। ऑप्शन डी, पिच। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लाउडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फ्री फील्ड कंडीशंस अ रूम इन विच द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द बाउंड्रीज आर नेग्लिजिबल इज कॉल्ड। फ्री फील्ड कंडीशन में वह रूम जिसके अंदर बाउंड्रीज से रिफ्लेक्शंस नेग्लिजिबल होते हैं, अर्थात बहुत कम होते हैं, वो कहलाता है। ऑप्शन ए, एनेकोइक चैम्बर। ऑप्शन बी, डार्क रूम। ऑप्शन सी, प्रोसेसिंग रूम। ऑप्शन डी, ड्रेसिंग रूम। करेक्ट आंसर है एनेकोइक चैम्बर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, द स्पीड ऑफ साउंड इज हायर देन लाइट। ऑप्शन बी, द स्पीड ऑफ साउंड इज लोअर देन लाइट। ऑप्शन सी, द स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट।
जैसा कि हम जानते हैं साउंड की स्पीड लाइट से कम होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द स्पीड ऑफ साउंड इज लोअर देन लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट ऑफ पिच एंड लाउडनेस बट डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लाउडनेस, ऑप्शन बी री इको, ऑप्शन सी टिम्बर, ऑप्शन डी ट्रेबल। तो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पिच एंड लाउडनेस, लेकिन जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के कॉम्पोनेंट्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है वो है टिम्बर, जिसको हम टोन कलर भी कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉज्ड बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड विद इन अ क्लोज स्पेस आफ्टर इट्स सोर्स हैज बीन स्टॉप्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लाउडनेस, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी टिम्बर, ऑप्शन डी रिवर्बरेशन। परसिस्टेंस ऑफ साउंड जो किसी क्लोज्ड स्पेस में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने की वजह से होता है, जबकि साउंड का जो सोर्स है वो स्टॉप कर दिया गया है, वो कहलाता है रिवर्बरेशन। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रिवर्बरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम रेफरेंस सिग्नल इज कॉल्ड। अर्थात वह सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी किसी रेफरेंस सिग्नल का इंटीग्रल मल्टीपल होती है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए लाउडनेस, ऑप्शन बी हार्मोनिक्स, ऑप्शन डी सी टोन कलर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं किसी रेफरेंस सिग्नल की वो हार्मोनिक्स कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हार्मोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्योर टोन ऑफ द साउंड इज नोन एज। साउंड की प्योर टोन क्या कहलाती है। ऑप्शन ए ऑक्टेव, ऑप्शन बी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी ऑप्शन सी हार्मोनिक्स, ऑप्शन डी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स हार्मोनिक्स। किसी साउंड की प्योर टोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन म्यूजिक एन इंटरवल हुज हायर नोट हैज अ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ट्वाइस दैट ऑफ इट्स लोअर नोट इज नोन एज। ऑप्शन ए हार्मोनिक्स, ऑप्शन बी ट्रेबल, ऑप्शन सी ऑक्टेव, ऑप्शन डी सेंसिटिविटी। करेक्ट आंसर है ऑक्टेव। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एम्पलीफायर इज यूज्ड एट इनपुट स्टेज ऑफ द ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम की इनपुट स्टेज में कौन सा एम्पलीफायर काम में आता है। इससे पहले हमने देखा था कि ऑडियो सिस्टम की आउटपुट स्टेज में पावर एम्पलीफायर काम में लेते हैं, तो इनपुट स्टेज के अंदर प्री एम्पलीफायर काम में आता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्री एम्पलीफायर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिन जो बेसिक्स ऑफ ऑडियो सिस्टम के थे। थैंक यू।